देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए, इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाय 4, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 6, द रिजल्ट इज 8। अगर कोई नंबर है उसमें से हम उसे 4 से डिक्रीज करते हैं एंड 6 डिवाइड करते हैं उसके उसमें से, ठीक है, तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या दी, ये जो नंबर है उसमें से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें एंड उसे 5 से डिवाइड करें फ्रॉम द नंबर एंड देन इट्स डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करें तो कौन सा रिजल्ट मिलेगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड अलग अलग कंडीशन दी, यहाँ पर भी अलग दी है और यहाँ पर भी अलग दी है, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले हम कर लेते हैं, मान लेते हैं वो जो नंबर है वो है एक्स, एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय क्या करना है 6 इज इक्वल टू रिजल्ट क्या दिए गए हैं 8, ठीक है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या बोली, फ्रॉम द नंबर, वही नंबर जो है उसमें से x माइनस क्या करना है 2 डिवाइड बाय 5 करना है, हमें क्या आंसर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8, सो 48, ये 4 जो है यहाँ पर चला जाएगा प्लस 4, सो x इज इक्वल टू 52 आ गया। अब इस 52 को हम यहाँ पे x की जगह पे रख देते हैं, ठीक है। सो 52 माइनस 2 डिवाइड बाय 5, सो 50 डिवाइड बाय 5, सो 10 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।